नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आज हम देखने के लिए आए एस 6565 DI, जो कि एक 61 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है। आगे वीडियो में हम इसका बात करेंगे, पावर फिगर, इंजन, हाइड्रोलिक एक्सल और गियर बॉक्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया ट्रैक्टर टेक के साथ। 6565 में हमें सिंगल पीस बोनेट देखने को मिल जाता है, और यहाँ से आप इसके JCB कलर में दिए हुए बहुत ही खूबसूरत कलर को देख सकते हैं। और ये ऊपर में भी रेडिएटर तक अच्छे से हवा पहुँचने के लिए नेट दिया गया है, और यहाँ पर भी बहुत ही खुला नेट दिया हुआ है। और ये रहा इसका ब्रांडिंग। लेफ्ट फेंडर में एपिसाइक्लिक रिडक्शन का ये स्टिकर लगा कर दिया गया, और यहाँ पर आपको 24 स्पीड का स्टिकर देखने को भी मिल जाएगा। इसका मतलब इस ट्रैक्टर में हमें 24 स्पीड देखने को मिल जाता है। और इसमें ये सभी लाइट्स LED में दिए हुए हैं, और यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल देखने को भी मिल जाएगा। और यहाँ पर आप इसके कस्टमर केयर नंबर भी देख सकते हैं। इस लीवर को खींचने से इसका जो बोनेट है कुछ इस तरह से ओपन होता है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। और इसको ओपन किए होने के लिए दो जैक रॉड लगाकर भी दिया गया है, और यहाँ से भी आप ये इसके नेट को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसके इंजन से। इसमें एस का 4088 CC का 4 सिलेंडर नेचुरली स्प्रेटेड इंजन दिया हुआ है, जो कि बॉश के इनलाइन फ्यूल पंप के साथ में आता है। और इस प्रकार का जो पंप होता है बिल्कुल ही मेंटेनेंस फ्री टाइप का माना जाता है। और कभी ट्रैक्टर में डीजल कम होने या न होने की वजह से अगर इसमें एयर आ जाए, तो आप इसकी मदद से एयर को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ ऊपर से आप इसके पूरे बनावट को देख सकते हैं। इसमें चारों सिलेंडर के लिए हेड अलग अलग दिए हुए हैं, और यहाँ से आप इसके एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को भी देख सकते हैं। और ये रहा इसका EGR का अरेंजमेंट, और भी बाकी सभी चीज़ों को कुछ इस तरह से इसमें अरेंज किया हुआ है। राइट साइड में इंजन ऑयल फिल्टर देखने को मिल जाता है। और ये रहा इसका एग्जॉस्ट पाइप, और यहाँ से आप इसका ये मफलर को देख सकते हैं। और इसका जो साइलेंसर है देखने पर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और ये रहा ट्रैक्टर के राइट साइड का फुल व्यू, और यहाँ पर आप इसके फेंडर को भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया हुआ है। बैटरी है वो आपको सामने में लगाकर मिल जाएगा, और यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसको रखा गया है। राइट साइड में आप इसके 42 एम्पीयर का अल्टरनेटर को देख सकते हैं, और इसी साइड में ही ये रहा इसका स्टार्टर। बात करें इसके कूलिंग सिस्टम का, तो इसमें कूलेंट रिजर्वायर के साथ वाटर कूलिंग देखने को मिल जाता है। और इसका जो रेडिएटर है बहुत ही बड़े साइज में दिया हुआ है, और इसमें जो यूज किया हुआ ये कॉपर के बाइंडिंग के साथ में आता है। इसका मतलब इसमें आपको बहुत ही जबरदस्त कूलिंग देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 1, 2 और 3 और रियर व्हील में जो वेट है उसको करके इसमें आपको 4 जगह पर एक्स्ट्रा वेट दिया हुआ है। और यहाँ से आप इसके बोनेट के ओपन एंगल को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से ओपन होता है। इसकी मदद से इसमें आप बड़े आसानी से ही इसका रेगुलर मेंटेनेंस कर सकते हैं। बात करें इसके स्टीयरिंग का, तो इसमें सेपरेट ऑयल कंटेनर के साथ में बैलेंस टाइप डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इस प्रकार का जो स्टीयरिंग होता है ऑपरेट करने में बहुत ही ज़्यादा आरामदायक होता है। और स्टीयरिंग के लिए सेपरेट ऑयल कंटेनर देने से यह फायदा होता है कि इसके अंदर जल्दी से डस्ट पार्टिकल्स नहीं आते हैं, और यह जो ऑयल होता है प्योर फॉर्म में होता है। इसकी वजह से कहीं पर भी सील वगैरह में लीकेज होने का चांस न के बराबर हो जाता है, और आपका जो स्टीयरिंग का परफॉर्मेंस आपको लंबे समय तक बहुत बेहतर देखने को मिल जाता है। इसमें एडजस्टेबल टाइप हैवी फ्रंट एक्सल देखने को मिल जाता है। इसको आप अपने जरूरत के हिसाब से इसके चौड़ाई को इन होल्स के थ्रू बढ़ा भी सकते हैं, और यहां से आप इसके स्पिंडल को देख सकते हैं। राइट साइड में आप इसके सेपरेट पंप को देख सकते हैं, मतलब हाइड्रोलिक के लिए अलग पंप और स्टीयरिंग के लिए अलग पंप दिया हुआ है। और इस प्रकार का जो पंप होता है इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर देखने को मिल जाता है। और यहां से आप इसके पाइपलाइन को देख सकते हैं, जो कि हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर से होकर नीचे तक गया हुआ है, और इसमें आपको मैग्नेटिक टाइप फिल्टर देखने को भी मिल जाएगा। और ये नीचे से आप इसके पूरे डिजाइन को देख सकते हैं, यहाँ कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। सेपरेट पंप देने से यह फायदा होता है कि मान लो कभी आपका ये स्टीयरिंग का पंप खराब हो गया, तो आपको सिर्फ ये छोटा सा अरेंजमेंट चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ता है। इसके वजह से इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम पड़ता है। यह 61 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है, तो जाहिर सी बात है इसमें आप लोडर एवं डोजर को भी बड़े आसानी से अटैच कर सकते हैं। और उसको अटैच करने के लिए यहाँ पर ये मल्टीपल होल्स देकर पहले से ही रखा गया है, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे। बात करें इसके फ्यूल टैंक का, तो इसमें 65 लीटर का मेटल का डीजल टैंक दिया हुआ है, जो कि आता है 2 डीजल फिल्टर और एक वाटर सेपरेटर के साथ में। ये रहा इसका टूल बॉक्स, जो कि प्लास्टिक का दिया गया है। बात करें इसके पावर फिगर का, तो यह ट्रैक्टर 61 HP का पावर 2200 इंजनरेटेड RPM पर और लगभग 250 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। टॉर्क को आसान शब्दों में समझे तो जिस ट्रैक्टर में जितना अधिक टॉर्क होता है वह किसी चीज़ को उतना ही आसानी से खींच सकता है। इसमें 1.5 से 30.85 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम फॉरवर्ड स्पीड और 1.27 से 26.22 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम रिवर्स स्पीड देखने को मिल जाता है। इसने पुराने 6565 के मुकाबले इसमें बहुत सारे चेंजेस किए हुए हैं। सबसे पहले तो जो इसका डिज़ाइन है उसमें चेंजेस मिल जाएगा आपको, और इसका जो कलर है ये, और हम आपको आगे वीडियो में बताते जाएंगे कि क्या क्या चेंज इसमें किया हुआ है। और पुराने 6565 का वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके भी
देख सकते हैं। अगर आप में से किन्हीं किसान भाइयों के पास यह ट्रैक्टर पहले से अवेलेबल है तो आप हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, जिससे अन्य किसान भाइयों को सहायता मिल सके। और आपने न्यू ट्रैक्टर खरीदने का सोचा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के लिए 2 फुट स्टेप दिया हुआ है और यह कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। इस तरह से डिजाइन करने पर यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है। और ये जो फुट स्टेप है ये आपको दोनों साइड में देखने को मिल जाता है। आपको दूसरे साइड का भी दिखाते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। और दोनों साइड में ही ये ग्रैब हैंडल देखने को भी मिल जाएगा। और इन सब की मदद से आप इसमें बड़े आसानी से ही चढ़िया उतर सकते हैं। और ये रहा इसका फुल डैशबोर्ड और प्लेटफॉर्म का लुक कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इंजन से निकलने वाला हीट ड्राइवर तक ना पहुंचे उसके लिए इसमें दोनों साइड में बड़े साइज में हीट प्रोटेक्टर लगाकर दिया गया, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। इसकी मदद से सीट में बैठने वाले ड्राइवर को बहुत ही ज्यादा आराम मिलने वाला है। यहाँ से आप इसके स्टीयरिंग के डिजाइन को देख सकते हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज में बड़े ही खूबसूरत स्टीयरिंग डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पर आपको ये इसका लोगो मिल जाएगा और इसमें आपको ये इजी स्टीयरिंग के लिए भी दिया हुआ है। इसको आप खेत में ट्रैक्टर चलाते वक्त भी बड़े आसानी से उपयोग में ले सकते हैं। यहाँ से आप इसके पूरे मीटर कंसोल को देख सकते हैं। इसमें RPM मीटर, ऑयल प्रेशर, फ्यूल गेज, बैटरी के लिए और भी अनेकों प्रकार की इंडिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये डिजिटल टाइप में आवर मीटर भी दिया गया है। ये रहा इसका 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट, ये पार्किंग के लिए और ये इंडिकेटर के लिए जो कि एयर के प्रोटेक्शन के साथ में आता है। और यहाँ पर हॉर्न का बटन और ये रहा इसका हैंड थ्रोटल लीवर। यहाँ पर इग्निशन की देखने को मिल जाएगा। ये रहा इसके लाइट्स कंट्रोल करने के लिए और ये इंजन ऑफ करने के लिए दिया गया है। बात करें इसके प्लेटफॉर्म का तो इसमें बहुत ही जबरदस्त फ्लैट प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाता है, जो कि आरामदायक तो है ही, उसके साथ ही साथ इसको जेसीबी पैटर्न में डिजाइन किया हुआ है। इसका मतलब इसमें आपको बहुत ही ज्यादा मजबूती देखने को मिल जाएगा और उसका अंदाजा आप यहाँ से ये सब देख कर लगा सकते हैं। और ये रहा इसका फेंडर, जो कि कुछ बहुत ही ज्यादा मजबूत डिजाइन किया हुआ है। और इसके नीचे साइड में देखें तो पोजीशन कंट्रोल लीवर, ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर दोनों लीवर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वाल्व को कंट्रोल करने के लिए लीवर देख सकते हैं, जो कि 2 लीवर इसमें दिया गया है, क्योंकि इसमें आपको 4 ऑक्सिलरी वाल्व देखने को मिल जाएगा, जो हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। ये डिप्टोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है और इसी साइड में ही डिफरेंशियल लॉक का भी ऑप्शन दिया हुआ है। मान लो आपका ट्रैक्टर कभी मड या कहीं पर फंस गया तो आप इसको अप्लाई करके इसके दोनों व्हील को लॉक करके एक साथ घुमाकर ट्रैक्टर के निकलने में सहायता कर सकते हैं। और यहाँ पर सीट के नीचे में कुछ इस तरह से दिया गया है, इसे आप हाइड्रोलिक आर्म के ड्रॉप रेट को कम या ज्यादा कर सकते हैं और इससे ट्रांसपोर्ट लॉक भी कर सकते हैं। PTO के लिए ये लीवर दिया गया है और ये रहा इंडिपेंडेंट PTO क्लच और ये इंडिपेंडेंट पार्किंग ब्रेक दिया गया है, जो कि बिल्कुल कारों की तरह है। इसको अप्लाई करने पर जो आपके ब्रेक पेडल है ये कुछ इस तरह से नहीं दबते हैं। इसमें 1, 2, 3, 4 और हाई लो मीडियम के साथ में 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स गियर देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स गियर ये शटल शिफ्ट लीवर की मदद से मिल जाता है। इसका मतलब इस ट्रैक्टर में आपको टोटल 24 गियर दिए हुए हैं। ट्रैक्टर में जितना अधिक गियर होता है उतना ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि आप अपने जरूरत के हिसाब से और इंप्लीमेंट के हिसाब से सही गियर रेशियो का चुनाव बड़े आसानी से कर सकते हैं। कई ट्रैक्टरों में शटल शिफ्ट लीवर यहाँ पर दिया होता है और इसमें आपको ये यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसकी मदद से आप जितने स्पीड में ट्रैक्टर को आगे ले जाते रहेंगे उतने स्पीड में आप ट्रैक्टर को बड़े आसानी से रिवर्स भी कर सकते हैं। और इसमें हमें सस्पेंडेड टाइप के क्लच पेडल देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है। और इसमें ऑयल इमर्ज ब्रेक देखने को मिल जाएगा और ये रहा इसका एक्सीलेटर पेडल। इस लीवर की मदद से इसके सीट को आप एडजस्ट कर सकते हैं और इसका कुशनिंग अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से पूरा डिजाइन किया हुआ है, बिल्कुल ही सभी चीजों को इसमें पैक किया गया है, जो कि देखने में भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। पीछे से आप इसके डिजाइन को देख सकते हैं, इसका जो फेंडर है कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है और इसमें रेगुलर टेल लैंप आपको LED में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप इसके बड़े साइज में दिए हुए प्लाउ लैंप को देख सकते हैं और इसको यहीं से आप ऑन ऑफ कर पाएंगे। और यहाँ पर S का स्टिकर दिया गया है और ये इस साइड से आप इसके फेंडर को देख सकते हैं कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। सीट के पीछे में आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। ये रहा इसका बोतल होल्डर और इसकी मदद से सीट को वेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाएंगे। और यहाँ पर आप ये इसके डिजाइन को देख सकते हैं, इससे आप इसके फेंडर के मजबूती का अंदाजा लगा सकते हैं। और इसमें ROPS लगाने का भी आपको सुविधा देखने को मिल जाता है, आप उसको भी लगवा सकते हैं। और ये इस साइड के भी आप ये पूरा डिजाइन को देख सकते हैं। लेफ्ट साइड के फेंडर में ही लेबलिंग प्लेट दिया गया है और इसमें आपको ये मैन्युफैक्चरिंग डेट देखने को मिल जाएगा। और ये रहा इसका मॉडल नेम और इसमें 40.5 किलोवाट का PTO पावर बताया गया है। और यहाँ पर ये आप इसके SFC को देख सकते हैं। इसमें कंपनी फिटेड 4 ऑक्सिलरी वाल्व देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और इस कैटेगरी के ट्रैक्टर में आपको शायद ही किसी और ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा। और इसकी मदद से आप इसमें सभी प्रकार के इम्प्लीमेंट को बड़ा आसानी से अटैच कर सकते हैं। और इसको ऑपरेट करने के लिए ये लीवर यहाँ पर दिया गया है और इस साइड में 7-पिन सॉकेट देखने को मिल जाएगा। और ये टॉपलिंग को टो करने के लिए दिया गया है और ये रहा इसका टॉपलिंग। बात करें इसके हाइड्रोलिक्स का तो इसमें 2200 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है
और यहाँ से आप इसके लोअर लिंक के डिज़ाइन को देख सकते हैं जो कि काफ़ी हैवी ड्यूटी डिज़ाइन किया हुआ है। और इसमें आपको कुछ इस तरह से स्टेबलाइजर बार देखने को मिल जाता है। इसको रोटेट करके आप इसको अपने ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये रहा दूसरे साइड का आर्म, और इसके लेंथ को एक एडजस्ट करने के लिए ये कुछ इस तरह से अरेंजमेंट दिया गया है। इसमें 3-पॉइंट सेंसिंग के साथ में ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल सेंसर देखने को मिल जाता है। इंप्लीमेंट को सॉफ्ट मिट्टी चलाने के लिए टॉपलिंग को नीचे में लगाएंगे और सबसे अधिक हार्ड मिट्टी के लिए ऊपर में, और इंप्लीमेंट को रोड पर लाते लाते समय भी टॉपलिंग को ये ऊपर वाले में ही लगाना चाहिए। इससे जो सेंसर इसकी सेंसिविटी लंबे समय तक बरकरार रहती है। बात करें इसके पीटीओ का, तो इसमें 40.5 किलोवाट का 6 स्प्लाइन पीटीओ देखने को मिल जाता है, जो कि आता है 540 और 540 इकोनॉमी पीटीओ के साथ में। यहाँ पर आपको इसको 540 स्टैंडर्ड और इकोनॉमी पीटीओ लीवर दिया गया है, इसको आप यहीं से ही कंट्रोल करेंगे। और इसका जो पीटीओ लीवर है, इसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर ये लीवर दिया गया है। इसके हिचिंग पॉइंट को देख सकते हैं, इसको आप इस होल्स के थ्रू इसके हाइट को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। बात करें इसके एक्सल का, तो इसमें आधुनिक जमाने का एपी साइक्लिक रिडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ में रियर एक्सल दिया हुआ है, जो कि लोड को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करता है और कभी भी क्राउन पिन पर डायरेक्ट नहीं पड़ने देता है, जिसकी मदद से आप इस ट्रैक्टर के पूरे पावर का बिना किसी टेंशन के बड़े आसानी से उपयोग में ला सकते हैं। और यहाँ पर आप इसके एक्सल के रोबोस्ट लुक को भी बड़े आसानी से देख सकते हैं, और इसमें कुछ इस तरह से खांचे अलग से बनाकर दिया हुआ है, जिसकी मदद से इसमें बड़े बड़े इंप्लीमेंट को अटैच करने में बहुत ही सहायता मिल जाता है। बात करें इसके टायर साइज का, तो इसमें 16x28 के बड़े रियर टायर मिल जाते हैं, और इसमें कंपनी फिटेड एक्स्ट्रा बेड देखने को भी मिल जाएगा। और यहाँ से आप इसके रिम के डिज़ाइन को देख सकते हैं। फ्रंट टायर की बात करें, तो इसमें 750/16 के बड़े फ्रंट टायर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ से भी आप इसके रिम के डिज़ाइन को देख सकते हैं और इसके प्रोफाइल को देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह से दिया गया है। तो चलिए ट्रैक्टर को स्टार्ट करके आपको इसका आवाज़ सुनाते हैं और इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी देख लेते हैं। फोर सिलेंडर होने की वजह से इसका जो आवाज़ है और यहाँ से आप ये इसके स्टीयरिंग रिस्पॉन्स को देख सकते हैं, डबल एक्टिंग होने की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा आरामदायक होता है। और जैसे कि आप ये इसके रिस्पॉन्स को भी देख पा रहे होंगे, तो इतने सारे फीचर्स और स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं आपको एस की तरफ से आने वाले इस यूनिक ट्रैक्टर में, जो कि इस ट्रैक्टर को खास बनाता है। अगर आपके मन में इस ट्रैक्टर से कोई भी डाउट या कुछ क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए आते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।